हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन। अभी हम हैं स्पेन में और यहाँ पे आने का मेरा एक बड़ा स्पेशल सा रीज़न है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। स्पेन का नाम जब भी मैं सुनता था बचपन से तो मेरे दिमाग में आती थी बुल फाइट, जो होती है वैलेंसिया में अभी और बाकी जगह पे बैन कर दी है। उसका रीज़न भी है क्योंकि ये बड़ा डेंजरस और रिस्की सा स्पोर्ट है जिसको अभी स्पेन गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती थी वो था यहाँ का टमेटो फेस्टिवल जिसको ला टमेटिनो बोलते हैं, वो भी उसका एक स्पेशल टाइम है और वो भी वैलेंसिया में होता है या फिर मैड्रिड में होता है। यहाँ पे बार्सिलोना में वो नहीं होता, और होता भी है तो उसका टाइम है या लिमिटेड जगह पे होता है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो दिमाग में आती है वो है यहाँ का फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना। मैं फ़ुटबॉल का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड हैं और जो भी फ़ुटबॉल को फॉलो करते थे कॉलेज के टाइम पे, जॉब के टाइम पे, तो हमेशा से बात करते रहते थे इन क्लब्स की। और तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम भी इन चीज़ों को जानने लग जाते हो, और मेसी है उसको कौन नहीं जानता। तो उसके लिए बार्सिलोना बड़ा फेमस था। अभी हालांकि उन्होंने बार्सिलोना से शिफ्ट होकर दूसरे किसी क्लब में चले गए, लेकिन बार्सिलोना है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो आपके दिमाग में आता है जब भी आप स्पेन के बारे में बार्सिलोना के बारे में सोचते हो। लेकिन रिसेंटली जो जिस चीज़ ने स्पेन को सबसे ज़्यादा फेमस किया है वो है यहाँ का शो ला कासा दे पापेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी हाइस्ट। और मनी हाइस्ट के फ़ैन ना केवल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत हैं, और मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी उसका जो कैरेक्टर है प्रोफेसर का, उससे मैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इस शो को, और मैंने इसके सारे सीजन्स हैं वो देखे। और मतलब मेरा एक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब इसका जो लास्ट सीज़न आ रहा है उसको मेमोरेबल बनाया जाए, क्यों ना लास्ट सीज़न को स्पेन में ही जाके देखा जाए। तो आज है 3rd of December और आज मनी हाइस्ट का लास्ट सीज़न है, वो आने वाला है। और यही सोच के हमने अपना यूरोप का ट्रिप प्लान किया था, और यहाँ पे स्पेन में हम आ गए थे 2nd of December को। और आने का रीज़न यही था कि हम 3rd of December को जब भी ये रिलीज़ होगा शो, उसको नेटफ्लिक्स पे यहीं स्पेन में बैठ के देखें। तो आज वो दिन आ गया है। अभी हमारा सुबह का टाइम है, अभी हम जाते हैं पहले घूमने। तो पहले मैं आपको कुछ जगह दिखाऊंगा, फिर वापस जब शाम को वापस आएंगे तो फिर हम एंजॉय करेंगे ये मनी हाइस्ट का लास्ट सीज़न। तो चलिए पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं, पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की बार्सिलोना की कुछ जगह, और शाम को फिर मिलते हैं। शाम को मैं देखूँगा मनी हाइस्ट। तो ये था मेरा एक बकेट लिस्ट में बहुत बड़ी चीज़, और जिसको मैं आज टिक करने जा रहा हूँ। कासा मिला जा रहे हैं, तो कासा मिला जाने से पहले बीच में ये पड़ गया एक चौक। तो ये स्क्वायर है, बड़ा ब्यूटीफुल सा स्क्वायर है। यहाँ पे चारों तरफ आप देखो इस तरह के स्टैचू हैं। यहाँ पे देखो एक घोड़े का स्टैचू लगा हुआ है, कुछ क्यूपिड के लगे हुए थे हमने जो पहले थोड़े से दिखाएँ। और यहाँ पीछे देखो आप काफ़ी सारे कबूतर हैं, बच्चे खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोकल हैं जो स्पेनिश वो लोग हैं कुछ। यहाँ पे देखो फ्री में ये बच्चों के लिए बबल्स वगैरह बना रहा है। और पीछे ये स्क्वायर है जहाँ पे पीछे फाउंटेन भी है। तो शाम को हैंग आउट करने की जगह है लोकल्स की, तो हम भी शाम का टाइम में जा रहे हैं तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुक लें। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे अभी, और बाद में हम जाएंगे कासा मेला। ये देखो ये भी यहाँ पे एक स्टैचू है, पानी के बीच में ठंड में बेचारी बैठी है, ठिठर रही है, लेकिन देखो पोज सेम ही है। ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। और इधर आप देखोगे तो इधर भी एक स्टैचू है जहाँ पे एक घोड़े को पकड़ा हुआ है, देखो अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो। तो अभी शाम हो गई है, मैं वापस से आ गया हूँ अपने होटल में, और अभी मैंने देखना चालू किया है ये।
तो ये चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में थी कि मनी हाइस्ट, आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग इस चीज़ के फ़ैन होंगे, कि वो मैं स्पेन में जाके देखूं। तो देखो आज डेट है 3rd of December और नीचे लिख रहा है डेट इन बार्सिलोना, क्योंकि अभी हम हैं बार्सिलोना में। और यहाँ देखो अभी अभी इस पे नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज़ हुआ है शो, तो ये आज मैं देखने वाला हूँ। तो ये है इसका पहला एपिसोड, तो क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉपीराइट इशू की वजह से आपको कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आराम से एंजॉय करता हूँ ये पहला शो, और फिर मैं आपको, जब मेरा ये शो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे ये शो कैसा लगा। जो सीज़न 5 आया था उसमें 5 एपिसोड थे, और 5 एपिसोड था उसमें लाइफ मैनी लाइफ्स, उसमें ऐसा हुआ था कि लास्ट वहाँ पे किया था जहाँ पे टोक्यो है वो मर गई है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो है ये एस्केप वाल्व, तो ये देखते हैं। और अब वैसे तो अभी 5 एपिसोड ही हैं बस इसको ख़त्म होने में, तो फटाफट से देखते हैं और मैं बताता हूँ फिर मुझे ये ओवरऑल कैसा लगा। ये हो गया हमारा एपिसोड ख़त्म, नेक्स्ट है वो है विशफुल थिंकिंग। अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है, और उनका बड़ा एक ये अच्छी चीज़ है कि इंटरेस्ट है वो ख़त्म नहीं होता है ना इस सीरीज़ का, ये बड़ा अच्छा पार्ट है। तो अभी भी वो इतना लंबा, वो 5 सीज़न हो चुके हैं और इसका भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, फिर भी मतलब इनका इंटरेस्ट है वो प्रॉपर बना हुआ है। मैंने 3 एपिसोड देख लिए हैं इसके, फाइनल के 4th बचा हुआ है, उसके बाद होगा फाइनल। तो अभी तक तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और एक थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि यार अभी ये ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद क्या है ना, उसके बाद तो इसका कुछ आना नहीं है। अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले कि नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था बर्लिन नाम से एक सीरीज़ आएगी, जिसमें पुराना कुछ लेके और स्टार्ट करेंगे और बर्लिन की लाइफ से रिलेटेड होगा, देखते हैं वो कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट लग रहा है कि बस 1 एपिसोड और है और ये सीरीज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो चलिए चलते हैं फाइनल एपिसोड पे और देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या रहता है, कैसा रहता है पूरा ये ओवरऑल सीज़न, और वो भी स्पेशली जब स्पेन में आके देख रहे हैं इसको, मनी हाइस्ट को। अभी मैं आ गया हूँ इसके सीज़न फिनाले के भी फाइनल एपिसोड, जिसका नाम है फैमिली ट्रेडिशन। तो बस अभी तक तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, ये देखते हैं लास्ट एपिसोड कैसा है, और इसके बाद मैं आपको थॉट्स शेयर करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार ये ख़त्म हो जाता है फिर मैं आपके साथ थॉट शेयर करता हूँ कि मुझे ओवरऑल ये देख के कैसा लगा। तो अभी हो गया है हमारा पूरा सीज़न ख़त्म, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था एंडिंग को, एंडिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की। जनरली क्या होता है कि कोई चीज़ हिट होती है तो ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है उसको एपिसोड्स बनाते जाओ पैसे उससे कमाते जाओ, लेकिन इन्होंने सही स्पॉट पर बहुत ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए उसको सही जगह पे एंड किया है, ताकि इसकी सीज़न की गुड मेमोरीज़ रहें लोगों के दिमाग में रहे कि यार ये एक सीज़न था जिसको हम कभी भी फ्यूचर में देख सकते हैं। तो और सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ जो मुझे अच्छा खुशी हो रही है जिस चीज़ की, वो ये है कि मैं अपना ड्रीम है जो एक तरह से बकेट लिस्ट में था वो पूरा कर पाया हूँ। इस शो को मेरा प्लान था कि स्पेन में आके देखूँ, और मैं बार्सिलोना में हूँ और बार्सिलोना में मैंने ये शो देखा है। तो अब वैसे तो देखी जाए तो देखा मैंने नेटफ्लिक्स पे ही है, देखा अपने मोबाइल पे ही है, लेकिन मैं उस कंट्री में हूँ, उस जगह पे हूँ जहाँ पे ये शो बना है, तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई होप आपको मेरी मेहनत है, आपको मेरा ये डेडिकेशन है, आपको मेरा ये क्रेजीनेस है पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।